हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे और अच्छे बने रहना। तो जैसे गाइस, पहली बात तो मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ और नए साल की बधाई भी मैं आप लोगों को नहीं दे पाया था। बट इंस्टाग्राम और जो अदर सोशल मीडिया में यूज़ करता हूँ उन पर मैंने बधाई दी थी, बट आप में से किसी को नहीं दे पाया। यूट्यूब वालों को दिक्कत यह हो गई कि मैंने यूट्यूब पर बहुत दिनों से वीडियो डाली नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए नहीं दे पाया। बट आप में से बहुत लोग इंस्टाग्राम पर ऐड है तो अच्छा लगा, बट जो ऐड नहीं है वो इंस्टाग्राम आईडी में मेरे ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया होता है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा मेरा यूजर नेम गौतम यादव ऑफिशियल, तो आप वहाँ पर जाके मुझे ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं वहाँ पर, ज़्यादा इजीली कनेक्ट हो पाएंगे हम लोग आपस में। तो आ जाइए, अब बात करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है कि जो डेथ ओवर्स में हम लोग हिट कैसे करें, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो प्रॉपर उसी बारे में बात करेंगे, बिना कोई टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोगों की जो दिक्कतें हैं, बहुत लोगों की दिक्कतें हैं कि डेथ ओवर में हम लोग क्या करें, मतलब कैसे हम लोग, मतलब बहुत लोगों की एनर्जी खत्म हो जाती है, बहुत तरीके की चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, उस बारे में हम लोग प्रॉपर एक बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम लोग कमा लेते हैं थोड़े बहुत पैसे, और पैसे हमें कैसे कमाने हैं, वन एस बेट के थ्रू। तो वन एस बेट एक गेमिंग ऐप है जिसमें आप आराम से अपनी नॉलेज यूज करके, सिर्फ अपनी नॉलेज यूज करके पैसे कमा सकते हो। आपको किसी भी गेम का नॉलेज हो, वहां पे जाइए, उस गेम को खेलिए और आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो गाइस, सिंपल लॉजिक है, वन क्लिक रजिस्ट्रेशन है इसमें, कुछ नहीं करना, और आपको प्रोमो कोड मिलेगा वहां पे क्रिक 2020 का, उसको यूज करके आप 8,000 तक का बोनस भी ले सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें लिंक में जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए और वहां पर जाके इस गेम को डाउनलोड करिए और आराम से अपने नॉलेज करके पैसे कमाइए। तो मैं भी कमा लेता हूं, चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो गाइस, डेथ ओवर के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेथ ओवर में आप लोग क्या ध्यान में आता है, आप लोगों के, बहुत लोगों के मन में ये ध्यान आता है कि डेथ ओवर मतलब कि अंधाधुन मारो, बट ऐसा रियलिटी में अंधाधुन नहीं मानना होता। हम लोगों को अपने जो गेम प्लान, ठीक है, हमारा जो सिचुएशन क्या है मैच के अकॉर्डिंग, उस टाइम पे हमें प्लान करना होता है, अंधाधुन मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो और हम लोग क्या ध्यान रखना चाहिए, बहुत लोग सोचते हैं कि बस बॉल आई और ऐसा नहीं होता। हम लोगों को जो अनप्रोटेक्टेड जगह होती है जहाँ पे फिल्टर नहीं होता, वो चीज़ ज़्यादा अपने रडार में लेके आके शॉट खेलना चाहिए हर टाइम। ऐसा ही आपको करना चाहिए कि पहले आप लोगों को पूरा फील्ड एक बार चेक करना चाहिए कि प्लेयर्स कहाँ कहाँ लगे हैं, ये नहीं कि बस आए और अंधाधुन ऐसा शॉट मारना, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हम लोगों को पहले ध्यान रखना है कि प्लेयर कहाँ है, बॉल को एंड टाइम तक देखना है, उसके अकॉर्डिंगली अपना बल्ला चलाना है। ऐसा नहीं है कि बस हम लोगों ने एक फिक्स जगह कर ली है कि हमारा एक स्ट्रेट है या फिर मिड ऑफ है, कहीं पर भी है, हमें वहीं पर ही शॉट खेलना है, बॉल को बिना जज करें। बहुत लोग क्या करते हैं, जज ही नहीं करते हैं, बस सोच लेते हैं कि आएंगे और मैं घुमा दूंगा, ये नहीं करना है, ठीक है। बॉल आई, जहां पे भी बॉल आए उसके अकॉर्डिंगली जज करें। ये आप लोग सोच सकते हो कि अब आपको क्या करना है कि प्लेयर के ऊपर से बॉल मारना है या नीचे, ये आप लोग पहले डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्लेयर 30 यार्ड्स के अंदर है फिर हम लोग डिसाइड करते हो कि मुझे उसके ऊपर से निकालनी है बॉल, तो ये सही है, जेन्युइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें आप आराम से बॉल के बाद प्लेयर के ऊपर से निकाल सकते हो, बट आप ये सोचते हो कि आपको हिट करना है, हर बॉल में छक्के मारना है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसे ध्यान रखिए, बॉल को जज करिए, एंड टाइम तक देखिए, अनप्रोटेक्टेड जगह पर जो प्रोडक्ट नहीं है वहाँ पर मारिए, ठीक है, तो सही रहेगा, आप लोग आउट होने के चांसेस कम होंगे और रन भी ज़्यादा सही लगेंगे। तो गाइस, आप लोगों के मन में ये भी ध्यान में आ रहा होगा कि आपको स्टांस कैसे रखना है। तो देखो, जब आप डेथ ओवर खेल रहे होते हो तो आपका एक प्रॉपर एक स्टांस हमने बॉलर को एक बार आइडिया दे देता है कि इस स्टांस में यही बॉल रखे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो गाइस, हमें एंड में ज़्यादातर हम लोग क्या लेना पड़ता है, थोड़ा रिक्स, अगर रन स्कोर करना है तो थोड़ा रिक्स लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको खड़े खड़े स्कोर मिल जाएगा, रन मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा अपने स्टांस में चहलकदमी करनी है, उससे क्या होता है ना, बॉलर की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, बट आउट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ये नहीं बोलता कि नहीं बढ़ते, बट इसमें क्या होगा, बॉलर के लाइन लेंथ भी बिगड़ सकती है। बट आपको करना है कि बॉल को एंड टाइम तक देखना है, ठीक है, चहलकदमी करिए ज़रूर, बट अपनी स्टिल हेड को ना हिलाइए, पाँव को हिलाइए, तो उससे क्या होगा कि आपके लिए बॉलर के लिए तो डिस्ट्रेक्शन होगा ही होगा, बट आप इजिली बॉलर के लाइन लेंथ को बिगाड़ कर शॉट खेल सकते हो, जो कि आप लोगों ने देखा होगा जब मैं स्टार्टिंग में खेल रहा था। अभी मेरे वी रोल में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने पाँव से कैसे खेल रहा था, स्टार्टिंग में नॉर्मली खेलिए, बट उसके बाद अपने पाँव से चहलकदमी करने लगी है, बॉलर के साथ खिलवाड़ करिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो गाइस, आप लोगों के ख्याल में ये भी जरूर आता होगा ना कि पहले के टाइम पे लास्ट में स्कोर नहीं पड़ते थे उतने जोर, इतने ज़्यादा स्कोर नहीं मारता था कोई, है ना, और आपके ज़माने में भाई लास्ट के कुछ 5-10 ओवर में जो भाई 100-150 रन मार देते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं बताता हूँ ऐसा पॉसिबल क्यों होता है। तो देखो, पहले के टाइम पर एक ही बॉल से 50 ओवर खेल लिए जाते थे, आज के टाइम पर दो बॉलें यूज़ होती है, ठीक है, एक इनिंग में। तो क्या होता है, जब दूसरी बॉल जब आती है तो उसे शॉट मारना वैसे ही दिक्कत नहीं होती, आराम से लग जाते हैं शॉट। तो ये, और पहले के टाइम पर जब जो फील्ड पोजीशन था वो भी थोड़ा डिफरेंट होता था, पहले ज़्यादा प्लेयर बाहर हो जाते थे, बट आज के टाइम पर कुछ ही प्लेयर बाहर होते हैं, बाकी सब अंदर रहते हैं एंड टाइम पर, डेथ ओवर्स के टाइम पर, ठीक है। तो इसमें भी इसलिए भी ज़्यादा स्कोर पड़ता है पहले के टाइम पर, वैसे ये नहीं, तुलना नहीं कर रहा, बट पहले के टाइम पर बॉलर सीरियसली बहुत ज़्यादा तेज थे, मतलब फास्टर थे अकॉर्डिंग टू अभी के टाइम पर, बट आज के बॉलर भी बहुत ज़्यादा सही है टेक्निक के मामले में भी। तो यही कुछ बातें जो मैंने अब क्लियर करी है कि बहुत लोगों के मन में ये डाउट था कि पहले के टाइम पर स्कोर कम होते थे, आपके टाइम पर ज़्यादा कैसे बन जाते हैं। तो यही कुछ टिप्स मैंने आप लोगों के
मन में डालिए बस। तो गैस एट द एंड में आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले गैप को ही ढूंढें एंड लास्ट मूवमेंट में भी, और ध्यान रखिए कि फील्डर के ऊपर से ज़्यादा निकाल पाए, बट छक्के मारना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी छक्के वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर आपको यहाँ पर दिखा दूंगा अपने टेक्स्ट पर, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा वो लिंक, क्लिक करिए जाके वो वीडियो भी देख लीजिए छक्के कैसे मारना है। तो ये कुछ थे जो टिप्स आपसे मैंने शेयर करे, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलना, जितना हो पाए सपोर्ट करिए क्योंकि आपके सपोर्ट के वजह से मैं यहाँ तक आता हूँ। और सॉरी कि मैं आप लोगों को विश नहीं कर पाया था न्यू ईयर पे, बट इस टाइम पे मैंने आप लोगों को विश कर दिया था हैप्पी न्यू ईयर, और होप कि आपका ये जो साल है, ये साल के आने के सारे साल आपके बहुत अच्छे जाए, बहुत तरक्की करो और हमेशा हेल्दी रहो और मेरी वीडियोस देखते रहो और मुझे दुआएं देते रहो कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। और लाइक शेयर कमेंट कर देना क्योंकि इससे मोटिवेशन मिल जाता है, मोटिवेशन मिल, और कमेंट जरूर करना क्योंकि कमेंट करने से पता चल जाएगा कि आप लोगों को आने वाली वीडियोस में कौन सी वीडियोस चाहिए जो कि आपके रिलेटेड ही हो, आपको हेल्पफुल हो। सो कोशिश करूँगा जितने अच्छे से अच्छे हो पाए मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँगा। और क्या बोलूँ, थोड़ा ठंडा है बट कपड़े चेंज कर लेता हूँ जाकर क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बट खेलते खेलते ठंड हट जाती है वो आप लोगों को पता ही होगा। सो रखता हूँ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ही मत भूलना, ठीक है, बाय।